पहली बात तो कि अब ये आम आदमी पार्टी नहीं है, ये खास आदमी पार्टी है। कल जब अरविंद केजरीवाल जी, जो खास आदमी पार्टी के लीडर हैं, वो जब निकलेंगे जिस घर से, वो 174 करोड़ का घर है। इस पूरे संसार में किसी सीएम का इतना बड़ा आलीशान बंगला नहीं है। राजमहल से निकलेंगे, राजा साहेब निकलेंगे, और जिन गाड़ियों के काफिले से आएंगे, उन गाड़ियों के काफिलों की कीमत करीब 8 से 10 करोड़ रुपए का है। ऐसे हमारे खास अरविंद केजरीवाल जी जब कल आएंगे, तो मुझे ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि वो जो एक शराब की बोतल पे एक और शराब की बोतल फ्री, जो इस दिल्ली को के बच्चों को शराब पिलाने का जो बहुत बड़ा उपक्रम चलाए, उस पे क्या बोलेंगे। कल जब वो आएंगे तो हमें अपेक्षा रहेगी, वो खास आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल, वो क्या कहेंगे जहां नरेंद्र मोदी जी इसी शहर में, इसी दिल्ली में झुग्गी वाले लोगों को घर दिए 3025, उसमें पानी का कनेक्शन नहीं दे रहे हैं। लेकिन दिल्ली की जनता बार बार यही कह रही है कि आप पंजाब से लाके लोगों को, कहां कहां से लाके लोगों को रैली कर लो, लेकिन दिल्ली के लोगों से किया गया झुग्गी को पक्का मकान बनाने का वादा, घरों में साफ पानी देने का वादा, जमुना को साफ करने का वादा, दिल्ली को पोल्यूशन फ्री करने का वादा, दिल्ली के डीटीसी के उसके पुनरुद्धार का वादा, सड़क का वादा, वो किधर है। अब तो अन्ना का तो रहेंगे नहीं, क्या पता, शायद हो सकता है उन्होंने अन्ना हजारे जी को इनवाइट किया हो। अगर ऐसा किया होगा तो बहुत अच्छा होगा, हम भी सुनेंगे अन्ना हजारे साहब क्या बोलते हैं। लेकिन आज कहाँ है लोकपाल, कहाँ है गरीबों के लिए धड़कने वाला दिल। मैं समझता हूं कल वो जिस कारण से आएंगे, खास आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल, वो सिर्फ और सिर्फ अपने भ्रष्टाचार की जांच न हो इसके लिए चीखने चिल्लाने आएंगे। इन सारी चीजों का ध्यान रहे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अब न तो आम आदमी के समर्थक हैं और न तो उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी है।